नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे ये कैनन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3010 ये प्रिंटर है, और ये प्रिंटर में प्रॉब्लम आपको मैं दिखाता हूँ क्या है। देखिए अभी यहाँ पे तो वो मतलब ऑलरेडी रेडी बता रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको अभी प्रिंट देता हूँ, आप देख सकते हो मैं अभी इसको एक ब्लैक प्रिंट देता हूँ पहले, ठीक है। ठीक है, अभी एक्चुअली इसमें मैंने ये अभी एक जेरोक्स दिया था मैंने, ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हो ये मैंने रखा हुआ था, लेकिन अभी इसमें जो इशू है कि अभी प्रिंट यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो इसका जो ब्लैक प्रिंट हेड है, ठीक है, वो एक तो ख़राब है, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इंक यहाँ पे इंक भी लगभग आधा के बराबर आधा है टैंक में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले तो आपको ये इसको ऊपर उठा लेना है स्कैनर असेंबली को। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पाइपिंग है, इसमें देख सकते हो आप ये कलर जो इंक है, इसमें आपको ये यहाँ पे तीनों इंक अवेलेबल दिखाई दे, लेकिन जो ब्लैक है इसमें आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इंक दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टैंक है, इस टैंक से लेके इसका जो प्रिंट हेड होता है वहाँ पे, ठीक है, ये ट्यूब जो है यहाँ से लेके जाती है, ये ट्यूब ये वाइट वाली, और इसमें ये प्रिंट हेड में वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इंक वहाँ तक नहीं पहुँची है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इस जो ब्लैक वाला जो है जो ट्यूब है इसमें आपको इंक लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए दो तरीके, एक तो आप इंजेक्शन से भी ला सकते हैं, ठीक है, और दूसरा तरीका आप इसको इंक फ्लश करके भी ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे आसान तरीका जो है वो इंक फ्लश करके हम करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लैपटॉप में सबसे पहले तो ये प्रिंटर का आपको ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ड्राइवर्स हैं इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते समय पहले इसको निकाले, ठीक है, और जब यहाँ पे ये पूछे कि आप इसको लगा दो केबल को, तब आप उसको लगाना है, ठीक है। इसको एस कर दें, एग्री कर दें, ठीक है। अब इसको केबल लगा देनी है, अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है ये यूएसबी से लगाना है, यहाँ पे एस कर दो, नेक्स्ट, ये ड्राइवर से इंस्टॉल हो रहा है इसमें। अगर वो पूरा ब्लैंक प्रिंट वहाँ पे आ रहा है तो देखिए, अभी ये हम स्टेप्स एक के बाद हम एक स्टेप कर रही है। देखिए अभी ये ड्राइवर से इंस्टॉल हो गए हैं, अभी हम इसे देखिए अभी ये टेस्ट प्रिंट के लिए बोल रहा है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं टेस्ट प्रिंट के लिए। देखिए अब इसने एक टेस्ट प्रिंट दिया है, लेकिन इसमें जो ब्लैक कलर है वो ब्लैक कलर यहाँ पे प्रॉपरली नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इंक फ्लशिंग करनी है, लेकिन वो हम करेंगे सिर्फ ब्लैक इंक के लिए, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर दो, क्विट कर दो, यहाँ पे वापस से हम जाएंगे प्रिंटर्स में,
ठीक है, ओपन क्यू, यहाँ पे हमें जाना है प्रिंटिंग प्रेफरेंस में। यहाँ पे जब ये नया विंडो खुलेगा यहाँ पे जाना है मेंटेनेंस में, हाँ इस पर क्लिक किया। अभी इंक फ्लश पे जाना है, यहाँ पे इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है आपको अभी ऑल कलर्स है, दूसरा ब्लैक है और तीसरा तीनों कलर है, लेकिन अभी यहाँ पे खाली ब्लैक का करना है। ठीक है, तो मैं अभी इसे स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब ये जो है इसका जो इंक फ्लशिंग जो है वो खाली ब्लैक का इंक फ्लशिंग अभी शुरू हो गया है। अभी ये कम से कम तीन चार मिनट तक ये चलेगा। अभी ये जो ब्लैक वाला जो इंक फ्लश है वो हो गया है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो पाइप है उसमें जो ट्यूब है इसमें इंक, देख सकते हो आप यहाँ पे, देखिए जब इंक फ्लश हमने कर दिया तो उसके बाद इसमें जो है ब्लैक इंक जो है वो आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो है एक बार हम इसको जो है जेरॉक्स निकाल के देखते हैं एक बार। ठीक है, प्रिंट उसका स्कैन कॉपी करके निकाल के देखते हैं। ठीक है, ओके देखिए अब यहाँ पे जो है हमने पूरा इंक फ्लश करने के बाद भी जो इंक है मतलब जो प्रिंट है वो प्रॉपरली यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो है अगर ये इंक फ्लश करने के बाद भी अगर आपका प्रिंट अच्छा नहीं आता है तो इसका मतलब आपका जो प्रिंट हेड है वो फॉल्टी हो चुका है, वो आपको रिप्लेस करना अभी ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हमने जो है नया अभी ये नया निकाला है तो इसको अभी हम इसमें जो है वो लगा देंगे। ठीक है, देखो अभी इसको डायरेक्ट खींचना नहीं है, यहाँ पे एक कोने में एक जो प्लास्टिक का एक जो आया रहता है उसको पीछे ढकेलना है, उसके बाद इसको खींचना है। ठीक है, इसको प्रेस करके निकाल लो। ठीक है, ये जो ब्लैक हेड है ब्लैक हेड को निकाल लो। ठीक है, अभी इसमें जो है इसमें जो नीचे वाला ये जो होता है ना इसको निकालना है कवर ये। ठीक है, जो स्टिकर लगा हुआ होता है वहाँ पे, ओके तो इसको मैं ब्लैक डाल देता हूँ, दोनों प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, इसे ऑन करेंगे अभी। देखो कभी भी अगर कलर हो या ब्लैक हो अगर वो प्रिंट नहीं कर रहा है तो सबसे पहले जो आपको इसके अंदर जो लगी ट्यूब्स है वो ट्यूब्स में इंक है या नहीं है ये आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। अगर वो चेक करते हो आप तो थोड़ा आसानी होता है समझने में कि मतलब प्रिंट हेड में प्रॉब्लम है या और किसी में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखते एक ब्लैक प्रिंट निकल रहा है। ठीक है, मैं ब्लैक प्रिंट निकालता हूँ अभी। नया हेड डलवाने के बाद वो थोड़ा इनिशियलाइज करता है, थोड़ा टाइम लेता है वो पहला प्रिंट निकालने के लिए। ठीक है,
देखिए अभी जो ब्लैक प्रिंट है वो अभी प्रॉपर आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वो इसका जो है चेक करना है, क्योंकि देखो डायग्नोज करना तो बहुत थोड़ा मतलब पहले डायग्नोज करना पड़ेगा आपको अच्छी तरह से, तभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें प्रिंट हेड बदलने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। देखिए अभी ये कंडीशन में मुझे तो पता था कि इसका हेड गया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब आप हेड चेंज करवाना चाहते हो तो मतलब आपको अगर ऐसे लगता है कि हेड चेंज करवाना पड़ेगा तो सबसे पहले इसको ले, इसको जो है एक आईपी जो सर्किट क्लीनर आता है, एक आईपी क्लीनर करके, ठीक है। तो थोड़ा एक जो ये होता है रुई जो होता है ना उससे जो क्या करने का आपको, या फिर कॉटन से इसको जो है थोड़ा आईपी डाल के यहाँ पे क्लीनर डाल के ये थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेना है, ये पोर्शन और ये पोर्शन थोड़ा क्लीन कर लेना है, ठीक है। और क्लीन करने के बाद वापस से एक बार आप उसको चेक करेंगे तो शायद कुछ परसेंट चांसेस है आपका हेड जो है वो वापस से काम करने लग जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो नए वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहे, ठीक है। तो देखते रहिए हिट शॉर्ट फिल्म्स। थैंक यू।